अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो मैं हूँ फरजाना खान और मेरे चैनल का नाम है दिल्ली वे। और आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहला दिन था मेरा जो आप देखेंगे, और यह है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन मिल रही हूँ मैं ये इस टाइम, और पहले दिन आपको मैं एक दे चुकी हूँ वीडियो, और ये दूसरा है क्योंकि फिर सुबह है और सुबह उठ चुकी हूँ मैं। उठकर दूसरे कुछ काम कर रही थी मैं, एक अलग इस कमरे में आई हुई हूँ और यहाँ कपड़े वपड़े सिमेट रही थी, क्योंकि कपड़े धुला करते हैं तो फिर उनको रखना होता है। तो अभी चलेंगे किचन में और टाइम बताऊँगी मैं। तो टाइम होने जा रहा है हमारे ब्रेकफास्ट का, और ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, वही हल्का सा मिलेगा आपको, लाइट सा नाश्ता। और मुझे मना है थोड़े से ये चीज़ें खाना, जिस तरह से मैं बनाया करती थी, तो उस तरह से अब मैं अभी नहीं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, फिर किचन में फिर चाय बनेगी, लेकिन चाय के लिए ये वाला पानी नहीं लेंगे, ये तो पानी लाएंगे अभी हम बाहर से, बाहर किचन के बाहर। तो हमें ये छोटा सा एक जग भरना है, तो पानी हम बाहर से कहाँ से लूँगी मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है, यहाँ से मैं पानी लूँगी, इससे मैंने ये ढका हुआ है इसी में से लूँगी, ताकि मैं ये सब लगे हूँ। तो ये पानी हम टैंक से भराते हैं या फिर भर के ले आते हैं, बहुत से टैंक वाटर बने हुए हैं। तो चाय बन रही है और थोड़ा सा हलवा बनाएंगे, तो अभी इतना सा खाएंगे। और ये मेरे पास में रखे हुए हैं ज़ातर, तो ये ज़ातर इस तरीके से यह मिलते ही है, ये तो आपको मालूम ही होगा ज़ातर का। तो पहले ये एक ऐसे उसकी कंपनी के रैप में है, और फिर से ये एक पेपर में है, तो मैं पेपर हटा कर गर्म करने को रख दूँगी। ये अंदर से इस तरीके से ज़्यादातर बना हुआ होता है, तो मैं अभी यही गर्म कर दूँगी इसके सही। तो जो ये शुगर पाउडर रखा था थोड़ा सा, इसमें ही ज़्यादातर का जो मसाला अंदर लगा होता है वो ही गिर गया, मैं तो डाल देती हूँ। मैं लीची में इसके अंदर, चाय पक गई है और ज़्यादातर गर्म हो रही है, ये बहुत अच्छे लगते हैं ज़्यादातर। तो लीजिए ये हलवा तैयार है, और ये चाय और ये ज़्यादातर, ये होता है थोड़ा सा नमकीन नमक से, जैसे हल्का सा नमक वाला होता है इसमें, तो ये इस तरीके का रहता है अंदर से। तो फ्रेंड्स नाश्ता हो चुका है, और ये अभी बर्तन सब रखे हुए हैं, तो ब्रेकफास्ट के रखे हैं, बस अभी इतना ही हुआ है, क्योंकि फिर हम जब गर्मी में किचन से जाते हैं तो 5-10 मिनट बैठकर या नाश्ता करके फिर आराम से ही आते हैं। तो मैं आई हूँ अब लौट कर, 1 घंटे बाद में वापस। तो अभी 9:30 हुआ है, सुबह का टाइम है, और देर से 8:30 में हमने तो चाय पी है। तो अभी मैं करती हूँ ये सब थोड़ा सा क्लीन, उसके बाद में हम देखेंगे क्या बनाएंगे। तो यही हमारा अभी सुबह से शुरुआत है, और ये सब क्लीन करेंगे। करती हूँ मैं अभी थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लेती हूँ। बर्तनों के यहाँ बर्तन रखे हुए, और ये साइड में मैं अपना इस तरीके से ये फैरी है, और ये मैं इसका फॉर्म धोने वाला। तो ये कल सुबह मैंने खाना बनाने से पहले
क्लीन किया था, फिर दोपहर में लंच वाला खाना बनाया था और वही रात को हमें हो गया था। थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं, कुछ भी। तो ये हमें तीन आदमियों को खाना, दो चीजें बनाई या एक चीज बनाया, तो वो खत्म नहीं होता, यानी कि हमें उसे दोनों टाइम खाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज नहीं बनती है, बिल्कुल 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 कितनी सी चीज बनाऊं उतनी नहीं बनती है, थोड़ी बस बन जाती है कि तीन आदमी हम दोपहर में खा लेते, फिर थोड़ी सी रात को भी हम इसी को खा लेते। तो बस मैं इतने बड़े ये पीस बना के मैं रख लेती हूँ, तो इसको हम डालेंगे अभी पानी में और इसको रख देंगे वापस। तो ये हमारा मटन का डब्बा है, इस तरीके से डब्बों में सेव करके मैं रख देती हूँ और अभी इसको डाल देती हूँ पानी में। तो मटन को तो कम से कम भी आधा घंटा चाहिए, मैं उसको पानी में नहीं डाल, पानी में डाल के रखूंगी लेकिन पानी चला के नहीं रखूंगी, पानी तो बहुत गर्म आता है तो वो आधा पका देगा कुछ को, तो वैसे नहीं रखना है, वो पानी में डलेगा तो हम उसके बाद में उसकी तब सब्जी जो भी बनाएंगे। तो मुझे मिल गई है आइसक्रीम, तो फिर इतनी देर में एक आइसक्रीम खा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पानी में डाल दिया है और ऐसे पैकेटों में मैं बना कर रख देती हूँ, वैसे भी सामान में बहुत सारे आती हैं जो दो तीन दिन में इतनी सारे हो जाती हैं, बड़ी छोटी, और उनको हमें फेंकना पड़ता है। तो बड़ी होती हैं तो डस्टबिन पे लगा लेते हैं, बाकी की बाकी सब ठीक ही जाती हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे में रखते हैं तो जगह भी कम उसमें आती है। एक फ्रीजर में क्या क्या रखेंगे, फ्रीजर बड़ा है लेकिन उसमें बहुत सारे सामान रखते हैं। देखेंगे, देखिए डब्बे शब्बे रखे हुए इनमें क्या क्या है। तो ये देखिए शीर में मैंने ये ज्यादा बना लिए थे तो ये भी अभी जगह ले रहे हैं। ये इसमें थोड़ी सी प्याज रखी है ऊपर, ये ऑयल किसी चीज का बघार में मैंने डाल दिया होगा, फिर उसे मुझे उसको कम करना होगा कर लेगा। तो ये है मेरा अभी किचन, जो कि बर्तन वगैरह ये सब हो चुके हैं, ये और साफ हो चुका है। और आज इधर से भी घुमा देते हैं तो ये सब। तो बस कुछ चीज़ें याद आ गई कि अभी इंडिया में अब जो घर में बच्चे हैं, अभी बच्चों का कई बच्चों के अभी बर्थडे आए थे, तो मेरे अभी भांजे भांजे तो बड़े हो चुके हैं लेकिन मेरे भांजे भांजों के बच्चे आ गए हैं। तो मेरे भांजे के बेटे का बर्थडे आ गया था तो अभी कल चला गया लेकिन जा चुका, मुझे अभी आज याद आ गया कि उसका कल था। और इसी तरह से दो बहन भाइयों के एक साथ ही हैं, तो दोनों के साथ ही आते हैं दो दिन के एक बीच में। तो बच्चों को विश कर दूं, बच्चे इसमें ही देख लेंगे, तो बच्चों को विश करूंगी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा अरसलान और उमेमा, तो बहुत बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छा नसीब हो, बहुत अच्छी जॉब पर लगे, अभी पढ़े लिखे हैं, अभी तो बच्चे हैं। मैं फोटो लगा दूंगी। बच्चे इंडिया में हैं और मैं यहाँ पर हूँ और जाना तो बहुत मुश्किल होता है, तो 3 साल का गैप हो गया है अभी जाकर, जैसे हम आए थे वैसे ही लॉकडाउन लग चुकी। तो आ गई हूँ मैं अभी किचन में और मैं सबसे पहले मैं मटन को धोना चाहूंगी और इसमें मैं रखूंगी, तब उसका पानी अच्छे से निकल जाता है ना, और उसको मुझे पानी में डालना भी बहुत देर तक जरूरी लगता है। पानी में उसको डालेंगे तो उसको बहुत जो निकलता रहता है रेड, वो सब निकल चुका होता है। प्याज काट लूंगी, प्याज काट के ऑयल है उसमें रख दिया है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें लहसुन, थोड़ी सी अदरक, ज्यादा नहीं इतनी,
स्लाइस करके डालते हैं, लेकिन मुँह में आती है ना तो फिर सब नहीं खाते हैं। तो मैं इसको बहुत बारीक चॉप कर लूंगी और वो गली जाएगी। साथ में हरी मिर्ची, जो हरी मिर्ची हम काट के डाल सकते हैं, तो वो हरी मिर्ची मैं चॉप करके डालूंगी। प्याज को हल्की सी गोल्डन करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल रही हूँ। साबुत धनिया थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब। प्याज अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, बस मटर भी हमारा जल्दी गल जाता है ना, तो बस प्याज को पहले ही करनी है थोड़ी सी, साथ में भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए पानी डाल दिया है, और इसमें पानी इसलिए डाला है कि ये कुकर अच्छा नहीं है। दही जमा हो रही है काफी सारी, तो दही को थोड़ा सा तो मैं एक चम्मच इसमें डालूंगी, तो उसमें तो ज्यादा नहीं डालेगी इसलिए एक चम्मच बहुत है। तो मैं थोड़ा सा रायता बना लूंगी, रायता भी ज्यादा नहीं बनाना है तो थोड़ा सा। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है और पानी को हम अभी इसके उशक करेंगे। बस दो ही सीटी ली है, अभी गला नहीं है, तो ये अभी ठीक से गला नहीं है, तो मैं इसको भूनती हूँ अभी अच्छी तरीके से। दही भी डालूंगी, लेकिन दही को मैं एक चम्मच दही डालूंगी, लेकिन दही लास्ट में अभी नहीं। तो बस ये भूनने के बाद में रेडी है, हरा धनिया डालूंगी, अभी दही डालने वाली हूँ। आ जाइए देखिए, खाना बिल्कुल तैयार है, लंच रेडी। तो ये हमारा टेबल लग चुका है।